इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह। आज के इस टेक वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप अपने ज़मीन के नक्शे को, ज़मीन के जो खसरा या खतौनी होता है, किसान भाई होते हैं, उसको किस प्रकार से उसके नंबर को या अपने खेत के नंबर को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं सीधे अपने जो है लैपटॉप स्क्रीन पर। और यहाँ पर देख ओपन करते हैं सर्वप्रथम गूगल। तो गूगल में देखते हूँ, हम यहाँ पर लिखते हैं भूलेख। लिखते ही दोस्तों यहाँ पे एक जो वेबसाइट ओपन होगी, जो पेज ओपन होगा, उसमें आपका जो है वेबसाइट रहेगी। वेबसाइट आपका है upbhulekh.gov.in, क्योंकि यूपी का है तो यहाँ पे upbhulekh.gov.in वेबसाइट है। तो उस पर जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वेबसाइट है upbhulekh.gov.in। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, जो पेज खुलेगा उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको जनपद चुनने के लिए, इसके बाद यहाँ पे तहसील, यहाँ पे ग्राम चुनें, उसके बाद ग्राम का पहला अक्षर चुन के आप एंटर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राम पे आते हैं, तो सॉरी जनपद पे आते हैं। जनपद हमारा यहाँ पे है वाराणसी। तो ये जो अल्फ़ाबेटिक क्रम में है तो हम वाराणसी चूज करते हैं। वाराणसी में तीन जो है तहसील हैं, तो हम ग्राम चूज कर रहे हैं। और इसमें इस जो है तहसील में जितने भी ग्राम हैं, हम देख सकते हैं सबकी एक लिस्ट जो है आ गई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपने जो है ग्राम का पहला अक्षर चुन के, जैसे मेरे ग्राम का नाम चस है, तो यहाँ को हम इसको चूज करते हैं। और इसके बाद जो है जितने भी चस गांव हैं वो सभी जो है यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों इसमें से कोई भी गांव चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको किया है कुलसला, उसको हमने चूज किया है। यहाँ पर देखिए खसरा संख्या, यहाँ पर खसरा संख्या द्वारा खोज सकते हैं, खाता संख्या द्वारा खोज सकते हैं, और खातेदार के नाम के द्वारा खोज सकते हैं, और नाम के दिनांक और हस्तांतरण और नामांतरण दिनांक से भी खोजा सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम खसरा नंबर से जानते हैं किस प्रकार से खोज सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई नंबर डाल देते हैं, मान लीजिए हमने डाला 500। दोस्तों यहाँ पे अगर कीबोर्ड यूज करते हैं तो ये काम नहीं करेगा, तो हमें इस पे जो ऑनलाइन कीबोर्ड दिया है उसको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें चूज करना पड़ेगा 500। और यहाँ पर खोजे भी देखते हैं, तो खोजेंगे तो ये देखिए कोई नंबर जो है खाता इससे रिलेटेड जो है ये खाता नंबर है वो आ गया है। तो यहाँ पर आने के बाद जब इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उधर देखिए ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जब यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों एक कैप्चा एंटर करने के लिए बोलता है, तो इसके लिए आप कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैप्चा तुरंत एंटर कर देते हैं, तो ये हमारा कैप्चा एंटर हो गया है। अब कंटिन्यू पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इस जो हमने खाता संख्या अपने मन से एक डाला था, तो वहाँ पर देखिए ग्राम का नाम, ये तहसील है जो परगना लिखा हुआ है, यहाँ तहसील है पिंडरा, यहाँ जनपद है, फसली वर्ष क्या है, भाग क्या है, खाता संख्या इनका क्या है, खाता विवरण जो कि अप्रमाणित प्रति, इसको प्रमाणित करने के लिए आपको तहसील पे जाना पड़ता है, प्रमाणित वहाँ से हो जाता है। यहाँ देखिए इसका नाम दिया हुआ है, पिता खातेदार क्या नाम है, उनके पिता का, उनका निवास स्थान क्या है। तो स्थानीय निवासी हैं इस गाँव के, जो इनके अधिकार में ये भूमि है। तो यहाँ दो लोगों का नाम है, दो महिलाओं का नाम है, खसरा संख्या ये है और क्षेत्रफल आपका इतना लिखा हुआ है। दोस्तों हम आते हैं पीछे और आपको दिखाते हैं हम नाम के द्वारा किस प्रकार से इसको खोज सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ खातेदार के नाम के द्वारा खोजें, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर उनके नाम के कुछ अक्षर को यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे हम अगर र से डालते हैं, जैसे मान लीजिए हमने राम चूज किया रा, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ भी हम कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते, ऑनलाइन कीबोर्ड जो दिया हुआ उसी को। अब राम को हम इसमें खोजे पर डालते हैं, तो राम नाम से जितने भी वहाँ पे होंगे, देखिए यहाँ पे रामा देवी, राम नरेश, रामा यहाँ पे उनका नाम है, उनके पिताजी का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर राम नाम से जितने भी होंगे वहाँ पर सभी का आ जाएगा। तो आप इसमें से अपना नाम, अपने पिता का नाम, जिसका भी खोजना चाहते हैं उनका, उनके पिता का नाम जो है खोज सकते हैं, उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ दूसरे खाते राम प्रवेश है इनका, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए ग्रीन कलर का हो गया, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये उद्धरण देख सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा कैप्चा, जो हम एंटर कर देते हैं। उसमें कैप्चा जो होता है वो सेंसिटिव केस सेंसिटिव होता है, तो आपको जैसा लिखा रहेगा वैसा ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों खाता विवरण इनका आ गया, ये भी एक अप्रमाणित प्रति, तो ग्राम का नाम है, ये परगना है, तहसील है वाराणसी जो है, जनपद है, इस तरह से इनका खाता संख्या इतना है। तो दोस्तों एक खाते संख्या में कई जो है यहाँ पे भूमिधर हैं, जिनका भूमि अधिकार में इनके अधिकार में है। तो यहाँ देख सकते हैं सबका नाम दिया हुआ है, और इस खसरा संख्या में भी कई लोग हैं, यहाँ देखिए तीन लोग हैं। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, किसी एक पर पर्टिकुलर पर लिंक बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ
नीचे जो है एक लिंक आ रही है, इनसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर भूमि किसके नाम पे है उनका जो है विवरण खुल के आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर राजस्व परिषद घाटा खसरा संबंधित जानकारी के लिए विकल्प, जैसे भूमि का कोई अगर विवाद है तो उसकी स्थिति क्या है, कोर्ट में किस की अपडेट लगी है, किस प्रकार से वो लंबित है, इस बारे में जानकारी मिलेगी। अब घाटे के विक्रय की स्थिति, यहाँ अगर वो आप बेच दिए हैं तो उसके बारे में जान सकते हैं। दोस्तों यहाँ भू नक्शा भी देखा जा सकता है, लेकिन जो सरकार ने भी भू नक्शा को इस पर चढ़ाया नहीं, इसलिए इसे इरर दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके जो है ये विक्रय की स्थिति या वादग्रस्त होने की स्थिति आप जान सकते हैं। अगर इस पे कोई भी विवाद है तो ये राजस्व न्यायालय की वेबसाइट से यहाँ पे उपलब्ध है, प्रविष्टिया उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब दोस्तों कि इस पे कोई भी विवाद नहीं है। यहाँ पे विक्रय की स्थिति पे अगर क्लिक करेंगे तो हम जान सकेंगे कि ये जो है विक्रय की स्थिति क्या है, बेची गई है या नहीं बेची गई है, किस प्रकार से आप वहाँ पर देख सकते हैं। रजिस्ट्री डाटा यहाँ पर खुल के आएगा दोस्तों। क्रय विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब कि इनका जो है पुस्तैनी जमीन इस पर विवरण कोई अभी उपलब्ध नहीं है। अगर दोस्तों यहाँ पे विक्रय विक्रय किया गया होता तो यहाँ पे पूरा डिटेल उसका दिखता आपको। दोस्तों हम इसको जो है यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से बैक करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आप कोई जिला चूज करते हैं, यहाँ जब पे जिले का नाम, यहाँ तहसील का नाम और तो यहाँ पे ग्राम का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे खसरा संख्या से खाता संख्या द्वारा अगर आपके जो किसान भाई होता है उस पर खसरा खाता संख्या लिखा होता है दोस्तों, वहाँ से आप ले सकते हैं, या खातेदार के नाम के द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है दोस्तों। और यहाँ पे नामांतरण दिनांक जो है उसके द्वारा जो है आधार पे खोजा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों खातेदार के नाम पे अगर आप चाहें तो पूरा नाम भी यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। इसी कीबोर्ड को यूज करके हम पूरा नाम यहाँ पे इंटर करेंगे, इसमें से कोई भी अक्षर लेंगे, यहाँ से जो है मात्राओं को चूज करके हम नाम को आसानी से लिखते हैं। यहाँ पे क्लियर करने के लिए पूरा जो है नाम क्लियर करने, क्लियर और एक अंक बैक जाने के लिए बैक स्पेस जो कीबोर्ड में होता है उसका काम ये जो है कि कर देती है। तो दोस्तों ये था आज के ये वीडियो में आपको बताना था, भूले कि या फिर कोई भी जानकारी आप कैसे भी अपने ज़मीन से संबंधित कोई भी जानकारी कैसे खोज सकते हैं। तो ये अगर कोई विवादग्रस्त स्थिति है या फिर ये जानना है कि किसी जो है संख्या में कोई नंबर है अगर खेत का, उसमें कितने लोगों का नाम है, कितने लोग जो है साझेदार हैं, इन सब के बारे में जानकारी आप इस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ की ये जो है प्रति आप निकलवा के तहसील में जाके उस पर जो है मुहर मरवा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि ये पता चल जाएगा ये प्रमाणित है। इस पर जो प्रति है वो अप्रमाणित प्रति लिखी जाती है, क्योंकि ये आपको शो कर दिखाने के लिए केवल होता है। अगर आप इसकी प्रमाणित प्रति चाहते हैं तो आपको जो तहसील में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसकी प्रमाणित प्रति को निकलवा सकते हैं और अपने जानकारी के लिए उसको रख सकते हैं, या अपने जो है जो विवाद है उसके सुलझाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।